अध्यक्ष जी, लास्ट टाइम जो बिल इंट्रोड्यूस करते वक्त मैं बोला था, सर आई रेज टू मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 टू टेकन इन टू द कंसिडरेशन। आप बिल के बारे में कुछ बोल सकते हैं, बोलना चाहें अध्यक्ष जी? ये बिल जो है अध्यक्ष जी, ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का 1967 में भारत में लाए गए थे, उसको लगभग 2004 में एक अमेंडमेंट किया है, 2008 में अमेंडमेंट किया है, 2013 में भी अमेंडमेंट किया है, और आज का परिस्थिति में देखते हुए कुछ अमेंडमेंट सरकार के द्वारा संसद के सामने लाए गए। अध्यक्ष जी, छोटा ये संशोधन है, इसमें आप सब लोगों को मालूम है ये सरकार टेररिज्म के बारे में जीरो टॉलरेंस के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि टेररिज्म बहुत पहला तो जम्मू कश्मीर के आसपास रहते थे, आज सारी दुनिया में भी बड़े बड़े देशों में भी अभी टेररिज्म का शिकारी बन गए। इसलिए हमारा गवर्नमेंट लगातार 5 साल में जो कदम उठाए इसके कारण टेररिज्म थोड़ा कम हो रहा है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय पाकिस्तान एस्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डेल्ट विथ फॉर्मली एंड इफेक्टिवली, अवर सिक्योरिटी फोर्सेस हैव बीन गिवन फ्री हैंड टू टैकल दी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। आपको मालूम है अध्यक्ष जी, हम संसद को बताना चाहते हैं देश में टेररिज्म को रोकने के लिए हमारा सरकार सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया, उसका रिजल्ट भी आज दुनिया के सामने आज दिख रहे हैं। अध्यक्ष जी, इंटरलैंड टेररिज्म जो 5 साल के अंदर जो अगर कंपेयर किए तो अध्यक्ष जी, 2004 से 14 तक 44 इंसिडेंट्स हुआ, 883 टेररिज्म के कारण शिकारी बन गए, लगभग 3154 का इंजूर हुआ, ऐसा इंटरलैंड आतंकवाद के खिलाफ जो हम कदम उठाए उसके कारण से अध्यक्ष जी, इस 5 साल में इंटरलैंड के अंदर 4 ही संगठन हुआ है, इस 4 संगठनों में लगभग 3 पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड इंसिडेंट्स हुआ अध्यक्ष जी, 19 लोग ध्यान तो इसमें इंजर्ड हो गया, 81 इंजर्ड हो गया, 91 किल्ड। अध्यक्ष जी, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी जो इंसर्जेंसी का इंसिडेंट्स होते थे बहुत बड़ा संख्या में होते थे, मगर इस 5 साल में 66% इस 5 साल में इंसर्जेंसी का इंसिडेंट हमारा सरकार ने कम किया है। ये हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत बड़ा उपलब्धि है, हमारा सरकार का जो काम करते हैं, अलग अलग इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स लोगों से बातचीत करते हुए हम काम कर रहे, इसका कारण ये हमारा को फल मिला है। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रोएक्टिवली टेररिस्ट के विषय पर न्यूट्रलाइजेशन किया है, लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट हैव किल्ड लास्ट 3 इयर्स, टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स हैव बीन रिड्यूस्ड वेयर मोर टेररिस्ट हैव बीन किल्ड इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2019 एज ए कंपेयर टू द लास्ट ईयर। अध्यक्ष, ड्यू टू द सस्टेन्ड एफर्ट्स सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑल्सो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अध्यक्ष, जो माओवेस्ट का इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा थे, अभी 60 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित किया है, वो 60 डिस्ट्रिक्ट में भी अभी 2018 का जो संख्या जो इंसिडेंट का संख्या अगर गिनती किए तो अध्यक्ष, 2/3 आउट ऑफ 60 2/3 इंसिडेंट ओनली 10 डिस्ट्रिक्ट में हो गया, अभी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ऐसा जिलों
अलग अलग प्रांतों में अगर देखते हुए माओवेस्ट इंसिडेंट्स भी कम हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पहला था अभी नहीं, वही बोल रहा मैं, अभी कम हो गए वही बोल रहा हूँ ना मैं, पहला था ये पांच साल में कम हो गए बोलूँ, हमारा सरकार के रणनीति के कारण। इसलिए अध्यक्ष जी, इसलिए अध्यक्ष जी मैं कुछ अमेंडमेंट्स हम बताना चाहते हैं। एक अध्यक्ष जी, जो टेररिस्ट अध्यक्ष जी उनके प्रॉपर्टीज सीज करने का अधिकार है अभी भी, मगर वो अध्यक्ष जी वो स्टेट डीजी के पास जाना, उनके परमिशन लेना, अगर एक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चार पांच स्टेट्स में उनका काम चलते हैं, चार पांच स्टेट्स में उनको प्रॉपर्टीज रहते हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर्टी एक जगह नहीं रहते हैं, चार पांच स्टेट में रहते हैं। इसलिए हम चार पांच स्टेटों के पास हमारे एनआईए अधिकारी जाकर परमिशन लेके उनका प्रॉपर्टी सीज करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहे। इसके कारण से हम संसद से यही अधिकार मांगते हैं, हमारे एनआईए अधिकारी को इस टेररिस्टों का प्रॉपर्टी सीज करने का अधिकार देने के लिए आपको मैं आपके द्वारा संसद को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उसका संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दूसरा अध्यक्ष जी, दूसरा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बयान करते थे, देश में बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे, उनको अलग अलग समय पर यूपीए समय पर उसके बाद एनडीए समय पर भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बयान किया गया, मगर अध्यक्ष जी एक संस्था को बयान किया तो उन संस्था से रिजन करके दूसरा संस्था फ्लोट करके उसके द्वारा उसके नाम पर उन्हों टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ा रहे। इसके कारण से हम संसद से यही मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अमेंडमेंट के लिए, हमारे को ये टेररिस्ट एज अ पर्सन टेररिस्ट घोषित करने के लिए अधिकार देने के लिए हम दूसरा अमेंडमेंट आपके सामने रखे अध्यक्ष जी। तीसरा अध्यक्ष जी, जो पहले तो डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज थे, अभी आप जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इसमें जोड़ा है, ड्रग्स का इसमें जोड़ा है, एनआईए का बहुत काम बढ़ रहे हैं, इसके कारण जो इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी भी बहुत एक्सपीरियंस करते करते बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया, सुपरविजन अधिकारी भी कम हो रहे, हम डीएसपी एसपी लेवल के अधिकारी को सुपरविजन अधिकारी बनाते हुए इंस्पेक्टर को इंचार्ज देना चाहते हैं, क्योंकि देश भर में एनआईए को बहुत बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन हम बनाना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपके द्वारा संसद को रिक्वेस्ट करता हूं इंस्पेक्टर के अधिकार को इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के नाते अधिकार देने के लिए। तीसरा अध्यक्ष जी, जो दुनिया दी कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन न्यूक्लियर मटेरियल 1980 हैड बीन अमेंडेड इन 2005 एंड सम न्यू ऑफेंसेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, इंडिया हैज रेटिफाइड एंड सेड अमेंडमेंट, हेंस द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 नीड्स टू बी एडेड इन द सेकंड शेड्यूल। ये अमेंडमेंट अध्यक्ष जी मैं आपके द्वारा संसद को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये छोटे अमेंडमेंट्स है, देश के हित के लिए है, आतंकवाद को रोकने के लिए है, आतंकवाद को आने वाले दिन में और सख्ती से हमारे का सरकार काम करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके द्वारा संसद को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस अधिकार को सरकार को दीजिए, इस अधिकार को एनआईए को दीजिए, इस अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए मैं सभी संसदों को रिक्वेस्ट करता हूं, इसमें ज्यादा ये देश के हित के लिए काम करने के लिए ये अधिकार देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जय हिंद।